मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शिक्षक ने सरकार द्वारा कोविड में स्कूल बंद करने की वजह से इसको तुगल की फरमान बताया। कहा कि बच्चे स्कूल पढ़ने आ रहे हैं, अपने सारे सामान इंतजाम कर लिए, फिर सरकार स्कूलों को बंद करा रही है। आप सब बच्चों को एक सूचना बताया जा रहा है, और आज 23 मार्च है ना, तो भारत सरकार का तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि आप सब बच्चों का विद्यालय फिर बंद किया जा रहा है क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। शांत रहिए कि आपका विद्यालय आज से 31 मार्च तक विद्यालय बंद रहेगा, ठीक है, पढ़ाई कराएंगे। लेकिन अगर फिर साल भर का ड्रामा आपने किया तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा कि तानाशाही उतना ही अच्छा लगता है जितना तानाशाह के अंत होने का समय ज्यादा दूर हो, और आपका समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये काम बिल्कुल मत करिएगा। 1 अप्रैल के बाद अगर विद्यालय फिर से आप बढ़ाएंगे तो इन सब चेहरों को देख लीजिए, और इनके गार्जियन को लेके, अपने पूरे स्टाफ को लेके, जिले तक, जिले से लेके मैं प्रदेश लेवल तक धरने पे बैठूंगा, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि सवाल यहाँ सिर्फ मेरे रोजगार का नहीं है, मेरे जितने सहपाठी और जितने मेरे कर्मचारी लोग हैं और इन बच्चों के पढ़ाई का, भविष्य का सवाल है। तो मैं इन बच्चों को लेके धरने पे बैठ जाऊंगा, और जरूरत पड़ा तो असंवैधानिक भी हो जाऊंगा। इसी के साथ मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 1 हफ्ता में बंद करने से कोरोना भाग जाता है तो हम सब लोग आपके साथ हैं, अगर नहीं भागता है तो 1 अप्रैल से छोड़ दीजिए। हम लोगों को कोरोना होगा, मरेंगे, क्या करेंगे, वो हम लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है। आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन लगाने के बाद खाना हम ही लोग पहुंचाएंगे, लोगों के आने जाने की व्यवस्था हम ही लोग करेंगे, उनके दवा दारू की व्यवस्था हम ही लोग करेंगे। आप सिर्फ ड्रामा करेंगे, सिर्फ थरिया पिटवाएंगे और मोमबत्ती जलवाएंगे, इससे ज्यादा तो आपकी कुछ औकात है ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 अप्रैल के बाद आप विद्यालय खोल दीजिएगा, इन बच्चों के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ मत करिएगा। बताया गया है और ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है जिला प्रशासन? दरअसल कल सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला वो वीडियो जो वायरल हुआ है, और तुरंत हम उसका पता लगाना शुरू कर दिए, तो पता लगा कि वो बांस गांव के एक विद्यालय का है। तो आज हम अपने खंड शिक्षा अधिकारी को वहां भेज दिए हैं, और विभागीय कार्रवाई, मतलब जैसे मानता प्रत्याहरण हम उनका कर लेंगे, और जो भी अन्य विधि संबद्ध कार्य होगा उसको करेंगे। सरकार को तुगलक बोलना और ये अक्षम्य अपराध है, ये अक्षम्य अपराध है, कभी माफ नहीं किया जा सकता, और उसके लिए हमको जो भी कार्य करना होगा हम नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है।